अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कायन और इस वक्त हम मौजूद हैं नवाज शरीफ के जलसा में। नवाज शरीफ की आमद है, लोग जो है ना जोर दर जोर में गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे कितना रश है। अभी मैं गेट के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर से जब लोग आ रहे हैं एक गेट क्रॉस करके तो कितना ज़्यादा रश है। तो आइए आपको जो है ना जलसा जाके दर्ज भी लेकर जाके आइए। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे जी आप भाई? बहुत मजा आ रहा है, नवाज शरीफ की बहुत खुशी है वहाँ मुझे आने की। कहाँ से हैं आप? हम शाहदरा से आए हैं। शाहदरा से आए हैं? हाँ जी। किसके लिए आए हैं? नवाज शरीफ के लिए हम आए हैं। क्या करेगा नवाज शरीफ आके? नवाज शरीफ आने से पहले इतने से महंगाई तोड़ दी है। अच्छा। तो और तोड़ दिएगा ना तो सारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये महंगाई वगैरह हर चीज दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप भी स्कूल में हो जाओगे। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, फिर 200 रुपए लीटर पेट्रोल लेगा तो सारा कुछ हर चीज अच्छी चलेगी। 200 रुपए लीटर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसका वादा कि मैं 200 रुपए लीटर से नीचे करूंगा, वो 200 भी कर देता हूँ, हमारे लिए काफी है। काफी है जी, काफी है। देखा जी नाजर, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाजर, मेरे साथ और भाई मौजूद है जो कि नवाज शरीफ को वेलकम करने इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हजम कहाँ से हैं आप? पेशावर से हैं। पेशावर से हैं? किस मकसद के लिए आए हैं? हम आपका अपने कायद को इस्तकबाल के लिए आए। अच्छा, हाँ। क्या करेगा आपका कायद आकर? जो पहले किया था इंशाल्लाह, 2017 का आप हिसाब लगा ले। अच्छा, जो पीपल पार्टी का गवर्नमेंट था। अच्छा, बिजली का लोड शेडिंग के हक 18-18 20-20 घंटे लोड शेडिंग था। अच्छा, तो 117-118 चुराया था। ठीक है। जब नवाज शरीफ साहब आए हाँ। तो उन्होंने 64 पे लाके पेट्रोल कर दिया। अच्छा, और बिजली का लोड शेडिंग खत्म किया। अच्छा, तो दशहरी का बहुत खराब माहौल था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी काफी फर्क आया था। अच्छा, तो इस कौन कौन से आपको उसके कारनामे हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। तो खान साहब का कोई कारनामे याद नहीं है? खान साहब का तो कारनामे बहुत याद है, यूपीएन के कारनामे बहुत याद है। अच्छा, तो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता था। अच्छा, आज एक बात करते कल तो उसे अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो दूसरी बात करते हैं। अच्छा जी, लेकिन वो तो आपकी बरादरी है ना, आप ही खान हो, खान है बरादरी की बात ही। ये जो हुक्मरान होते हैं ये खिदमत की बुनियाद पे होते हैं। जो कौम का खिदमत करता है, जो कौम को सहूलत देता है, जो कौम के गम में शरीक होता है, वो असल लीडर होता है। अच्छा जी, नवाज शरीफ एक अच्छा लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए तो हमारे 2000 तकरीबन लोग हम ट्रेन में पेशावर से कल आए थे। अच्छा, तो वो उसकी मोहब्बत की वजह से आए हैं। अच्छा, उसको मोटोरेटर पर नामा देते रहे, पाकिस्तान को 80 में ताकत बनाया। अच्छा, तो से हम तो काफी अभी लिस्ट पर बनाए जो ट्रेन में आ रहे हैं। पेशावर से आप इतना ज्यादा सफर करके आए हैं, अपने खर्चे पर आए हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक रुपया हर लेवल पर अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, किसी के एक रुपये में नहीं ले रहे, अपने जोश और जज्बे और मोहब्बत के साथ आए। फायदा भी होगा आपको यहाँ पर आने का, इतना आपने अपना एक दिन भी जाया किया, खर्च भी किया। फायदा नुकसान की तो बात ही बात है ना, क्या होगा। तो हम तो जो मुल्क की सूरत हाल का देख रहे हैं, लो मुल्क दिवाली के हालत पे पहुंचे, तो हम उम्मीद नवाज शरीफ से ये लगा के रखे कि इंशाल्लाह ये आएगा तो ये हालात भी ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम गरीबों के लिए भी कुछ अच्छा पैकेज लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा पैकेज लेके आएगा जी नवाज शरीफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।